हाय हेलो, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी विद रिचा में। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का हमारा टॉपिक है जो महत्वपूर्ण संज्ञा है उनमें प्रकाशित होने वाली रचनाएं। मैं इसका पार्ट वन लेकर आई थी और आप सबको बहुत पसंद आया था। आप सबके कमेंट आ रहे थे कि आप ऐसे ही कुछ समय मुख्य संज्ञा जरूर करवाएं, तो आज मैं चार संज्ञा लेकर आई हूँ जो महत्वपूर्ण है, जिनके रचनाएँ बार बार पूछी जाती है, उन्हीं संज्ञा को मैं आज लेकर आई हुई। ये है हमारे सन, देख लेते हैं कौन कौन से है। 1938, 1956, 1958, 1972, ये हमारे चार सन है जिनके हम आज महत्वपूर्ण रचनाएं देखेंगे। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ पार्ट वन में हमने कौन कौन से सन देखे थे। सबसे पहले हमने देखा था 1918, 1935, 1936, 1954। अगर किसी ने ये वीडियो नहीं देखी है तो जाकर जरूर देख ले, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसमें महत्वपूर्ण सभी रचनाएं बताई गई है। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सन 1938 में प्रकाशित होने वाली महत्वपूर्ण रचनाएं। सबसे पहले काव्य संग्रह है निराला का तुलसीदास, जो कि इंपॉर्टेंट है। तुलसीदास ये रचना है और इसके रचनाकार है निराला, काव्य संग्रह है ये। अगली रचना हम देखेंगे निशा निमंत्रण, बच्चन का काव्य संग्रह इंपॉर्टेंट है। प्रभात फेरी काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का इंपॉर्टेंट है। प्रवासी के गीत ये भी नरेंद्र शर्मा का काव्य संग्रह है और इंपॉर्टेंट है। मधुलिका रामेश्वर शुक्ल अंसल का काव्य संग्रह इंपॉर्टेंट है। ये पांचों ही इंपॉर्टेंट है, ये पांचों ही पेपर में पूछे जा चुके हैं कालक्रम में, और आप याद रखिएगा इन सब का काल का हमारा 1938 है, तो ये आपको कालक्रम वाले क्वेश्चन में बहुत हेल्पफुल होगे। आगे हम देखते हैं तीन उपन्यास है हमारे, ये शुरू के हमारे पांचवे काव्य संग्रह। तीन उपन्यास है हिजाइनेस और मया खाना ऋषभ जैन का, और विकास प्रताप नारायण श्रीवास्तव का। याद रखिएगा एक हमारे प्रताप नारायण मिश्र नाम से रचनाकार हुए हैं, प्रसिद्ध है, तो आप कंफ्यूज मत होना, ये विकास प्रताप नारायण श्रीवास्तव का है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जब आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप नोटबुक जरूर लेकर बैठना और इन्हें नोट करते हुए चलना, क्योंकि आपके एक बार में याद नहीं होगी, जब आप इनका बार बार रिविजन करोगे तो आपकी याद होगी। ये बात मैं अपनी हर क्लास में बोलती हूँ कि आप जो भी मेरी वीडियो देखो साथ में नोट करते हुए चलो, आप नोट करना बिल्कुल मत भूलना। आगे देखेंगे हम, ये भी 1938 में प्रकाशित रचनाएं हैं। सबसे पहले हम कहानी संग्रह देखेंगे गांधी टोपी, राधिका रमन प्रसाद सिंह का। सावनी समा, ये दोनों ही राधिका रमन प्रसाद सिंह के हैं, और ये अपने आप में इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाते हैं क्योंकि हमारे कोर्स में नेट के राधिका रमन प्रसाद की कहानी लगी हुई है कानों में कंगना, तो उनके जितने भी कहानी संग्रह है वे खुद ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि हमारे कोर्स में उनकी एक कहानी लगी हुई है। तो आप ये याद रखिएगा दोनों, गांधी टोपी और सावनी समा। अगला कहानी संग्रह देखेंगे हिलोर, भगवती प्रसाद वाजपेयी का ये कहानी संग्रह है। अगला कहानी संग्रह नीलम देश की राजकन्या जैनेन्द्र का है, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा आप। अगला कहानी संग्रह देखेंगे धूप रेखा, ये इलाचंद जोशी का कहानी संग्रह है। यानी हमारे पांच कहानी संग्रह हुए, और गांधी टोपी और सावनी समा आप खास तौर पर याद रखोगे। आगे देखिए हम निबंध संग्रह साहित्य की शांति प्रिया द्विवेदी का इम्पोर्टेंट है। साहित्य सर्जना इला चंद्र जोशी का, साहित्य समालोचना राम कुमार वर्मा का आलोचना ग्रंथ है। ये तीनों, इनके नाम बहुत मिलते जुलते हैं, तो आप ये बहुत ही ध्यान से नोट करना। साहित्य की शांति प्रिय द्विवेदी का निबंध संग्रह, साहित्य सर्जना इला चंद्र जोशी का निबंध संग्रह, साहित्य समालोचना डॉक्टर राम कुमार वर्मा का आलोचना ग्रंथ है, और ये सभी रचनाएँ 1938 में प्रकाशित हुई है, तो आप नोट करते हुए जरूर चलिएगा। आगे देखेंगे हम 1956 में प्रकाशित महत्वपूर्ण रचनाएं। सबसे पहले हम देखेंगे त्रिलोचन का गुलाब और बुलबुल, रामविलास शर्मा का रूप तरंग काव्य संग्रह, चक्रव्यूह कुंवर नारायण का इम्पोर्टेंट है काव्य संग्रह। ये तीनों ही इम्पोर्टेंट है, तीनों ही पेपर में पूछे जा चुके हैं पहले, तो आप याद रखिएगा तीनों इम्पोर्टेंट है ये। अगला हम उपन्यास देखेंगे चुंबन और चाटा, राधिका रमन प्रसाद सिंह का यह उपन्यास है। जैनेन्द्र कुमार का जयवर्धन उपन्यास है, इम्पोर्टेंट है। विष्णु प्रभाकर का सपन में ही,
इम्पोर्टेंट है। सागर लहरें और मनुष्य, उदय शंकर भट्ट का उपन्यास है, इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, सागर लहरें और मनुष्य, इसका विषय पूछा जाता है कि क्या है, तो इसमें वर्सोवा के मछुआरों का वर्णन है। याद रखेंगे बहुत खास तौर पर, सागर लहरें और मनुष्य उपन्यास में वर्सोवा के मछुआरों का वर्णन है, खास तौर पर इसे याद रखना। अगला उपन्यास देखेंगे गोली चतुर्सेन शास्त्री, यानी हमारे इसमें तीन तो काव्य संग्रह हुए और पांच हुए उपन्यास, आप याद करते हुए चलेंगे और लिखते हुए चलेंगे। आगे देखिए हम उपन्यास या बूंद और समुद्र, अमृतलाल नागर का। बूंद और समुद्र का भी विषय पूछा जाता है, इसका विषय है लखनऊ के चौक का वर्णन है इसमें, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला उपन्यास हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र देवेंद्र सत्यार्थी का, यशपाल का अमीता, इम्पोर्टेंट है। हाथी के दांत अमृत राय का उपन्यास है, उखड़े हुए लोग उपन्यास है राजेंद्र यादव का। अगला उपन्यास साचा प्रभाकर माचवे का, पत्थर और परछाइयां मारकंडे का कहानी संग्रह, कदम की फूली डाल, ये विद्या निवास मिश्र का निवास संग्रह, ये डाल है हाल नहीं। अब हम देखेंगे इसमें हमारे कितने उपन्यास हुए, छह तो हमारे उपन्यास हुए, एक कहानी संग्रह और एक निबंध संग्रह। आगे देखेंगे हम, ये भी 1956 में प्रकाशित रचनाएं हैं, किसानों का देश विवेकी राय का निबंध संग्रह इम्पोर्टेंट है, हमारी सांस्कृतिक एकता रामधारी सिंह का निबंध संग्रह, उजली आग रामधारी सिंह दिनकर का निबंध संग्रह, सब रंग और कुशराग अज्ञा का निबंध संग्रह इम्पोर्टेंट है, स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य रामविलास शर्मा का निबंध संग्रह, काव्य में रस डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित का आलोचना ग्रंथ है। तो आप ये नोट करते हुए जरूर चलना, मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि अगर आप ये नोट नहीं करोगे तो आप कुछ दिन बाद ये भूल जाओगे, तो जरूर से जरूर नोट जरूर कर लेना। आगे हम देखेंगे 1958 में प्रकाशित रचनाएं, सबसे पहले हम नाटक देखेंगे मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन, इम्पोर्टेंट है और ये नाटक नेट के पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ है। अगला नाटक हम देखेंगे डॉक्टर विष्णु प्रभाकर का, इम्पोर्टेंट है, तिंदुवलम लक्ष्मीकांत वर्मा का नाटक है, ये हमारे तीन नाटक हुए, आषाढ़ का एक दिन, डॉक्टर, तिंदुवलम, और ये तीनों नाटक हम ध्यान करते हुए चलेंगे कि ये सभी 1958 में प्रकाशित हुए हैं। अगला उपन्यास हम देखेंगे रोड़े और पत्थर, डॉक्टर देवराज का ये उपन्यास है, लोक परलोक उदय शंकर भट्ट का उपन्यास है, इम्पोर्टेंट है। राई और पर्वत रांगे राघव का ये उपन्यास है। अगला हम देखेंगे जब आवेगी काल घटा, ये रांगे राघव का जीवनी परक उपन्यास है। रहा न रुकी, ये भी रांगे राघव का जीवनी परक उपन्यास है, ये दोनों रांगे राघव के जीवनी परक उपन्यास है। जब आवेगी काल घटा में उन्होंने गोरखनाथ का वर्णन किया हुआ है, रहा न रुकी में महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध का, तो आप इन दोनों के विषय भी नोट कर लेना, जब आवेगी काल घटा में गोरखनाथ और रहा न रुकी में महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध दोनों का वर्णन है। अगला हम उपन्यास देखेंगे झूठा सच, ये यशपाल का उपन्यास है और इसका भाग वन जो है वो 1958 में प्रकाशित हुआ था। इसके बारे में ये इसका विषय पूछा जाता है कि क्या है, तो ये देश विभाजन पर आधारित उपन्यास है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, पेपर में पूछा जाता है, देश विभाजन पर आधारित उपन्यास है, तो आप याद रखिएगा झूठा सच। आगे हम देखेंगे 1958 में ही प्रकाशित रचनाएं, कुलटा राजेंद्र यादव का उपन्यास है, खाली कुर्सी की आत्मा उपन्यास है लक्ष्मीकांत वर्मा का। अब हम देखेंगे कहानी संग्रह, ये दो हमारे हुए उपन्यास, कुलटा और खाली कुर्सी की आत्मा, 70 श्रेष्ठ कहानियां उपेंद्र नाथ अस्क की ये कहानी संग्रह, महफिल भैरव प्रगुप्त का कहानी संग्रह, ये भैरव गुप्त है। जानवर और जानवर मोहन राकेश का कहानी संग्रह इम्पोर्टेंट है, कस्बे का आदमी कमलेश्वर का कहानी संग्रह इम्पोर्टेंट है, कर्मनाशा की आर शिव प्रसाद सिंह की कहानी है इम्पोर्टेंट है, कोसी का घटवार शेखर जोशी का कहानी संग्रह, और ये तो अपने आप में इम्पोर्टेंट है क्योंकि कोसी का घटवार तो नेट के कहानी में लगी हुई है, कोसी का घटवार तो अपने आप ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। बबूल की छाप कहानी संग्रह है सानी का, तो इसमें तीन चार कहानी संग्रह ऐसे है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो आप भूल नहीं सकते, जानवर और जानवर मोहन राकेश, कस्बे का आदमी कमलेश्वर, कर्मनाशा की आर शिव प्रसाद सिंह और कोसी का घटवार शेखर जोशी, ये चार कहानी संग्रह आपको खास तौर पर याद रखनी है। आगे तो बढ़ेंगे हम देखेंगे 1958 में प्रकाशित कला और संस्कृति, वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध संग्रह है ये,
योगी तो देखे योगी हरि का निबंध संग्रह इम्पोर्टेंट है। त्रिधारा विवेकी राय का निबंध संग्रह। त्रिधारा के नाम से एक नाटक भी मिलता है ब्रजमोहन शाह का, तो वो भी आप नोट करते हुए चले गए। त्रिधारा के नाम से एक तो निबंध संग्रह मिलता है विवेकी राय का और एक नाटक मिलता है ब्रजमोहन शाह का। अगला हम निबंध संग्रह देखेंगे वेणुवन रामधारी सिंह दिनकर का, इम्पोर्टेंट है। ठेले पर हिमालय वेरी इंपॉर्टेंट धर्मवीर भारती का। कुछ झूठ और कुछ सच ये गोपाल प्रसाद का निबंध संग्रह है। अंगद का पाव निबंध संग्रह है श्रीलाल शुक्ल का, आप याद करके चलेंगे अंगद का पाव इंपॉर्टेंट है। आलोचना के मान शिवदान सिंह चौहान की आलोचना ग्रंथ है। निराला की साहित्य साधना ये विश्वंभर नाथ उपाध्याय की आलोचना ग्रंथ है। एक बात और याद रखिएगा, निराला की साहित्य साधना के नाम से हमें दो आलोचना ग्रंथ मिले हैं। एक तो हमें मिला है विश्वंभर नाथ उपाध्याय का और एक हमें मिला है रामविलास शर्मा का, जो हमारा रामविलास शर्मा के द्वारा लिखा हुआ है निराला की साहित्य साधना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो लोगों को वो तो पता होता है कि रामविलास शर्मा का निराला की साहित्य साधना उनका आलोचना ग्रंथ है, पर विश्वंभर नाथ उपाध्याय के बारे में कम जानते हैं। एक बार ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था निराला की साहित्य साधना किसका आलोचना ग्रंथ है, तो वहाँ पर ऑप्शन में विश्वंभर नाथ उपाध्याय दिया हुआ था और रामविलास शर्मा नहीं था, तो लोग कंफ्यूज हो गए कि क्वेश्चन ही गलत है, उसमें ऑप्शन तो दिया ही नहीं है। तो उसका आंसर सही था विश्वंभर नाथ उपाध्याय। तो इसलिए आप याद रखेंगे जहाँ पर भी आपको दो नाम की एक रचनाएं मिलती है ना और राइटर अलग मिलती है, तो आप वे खासतौर पर नोट कर लेना। जैसे मैंने अभी त्रिधारा बताया, ये एक तो निबंध संग्रह है विवेकी राय का और एक नाटक मिलता है ब्रजमोहन शाह का। ऐसे ही निराला की साहित्य साधना ये दोनों दो लोगों ने लिखी आलोचना ग्रंथ, विश्वंभर नाथ उपाध्याय और रामविलास शर्मा। अब मैं इसमें आपको इम्पोर्टेंट बता दे तू यो भी तो देखी इम्पोर्टेंट, वेणुवन इम्पोर्टेंट, ठेले पर हिमालय इम्पोर्टेंट, अंगद कपाव और आलोचना के मान ये सभी इम्पोर्टेंट हैं। आगे बढ़ेंगे हम, आगे हम देखेंगे 1972 में प्रकाशित सभी महत्वपूर्ण रचनाएं। सबसे पहले हम कामिल का संसद से सड़क तक, जो ये सुदामा पांडे धूमिल का काव्य संग्रह है, इसके अंतर्गत जो कविताएं है वे नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई है, तो आप इसका सन खास तौर पर याद रखना क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है। अगला नाटक हम देखेंगे लौटता हुआ दिन उपेंद्र नाथ अस्क का, नाटक ही है अगला असुर सुंदरी उपेंद्र नाथ अस्क का। ये दोनों नाटक लौटता हुआ दिन असुर सुंदरी हुए उपेंद्र इंद्रनाथ अस्के। आगे हम देखेंगे लघु नाटक है दो कर्फ्यू और दूसरा दरवाजा, ये दोनों ही लघु नाटक है लक्ष्मीनारायण लाल के। हमारा बहुत कंफ्यूजन होता है लक्ष्मीनारायण लाल में और लक्ष्मीनारायण मिश्र में, तो आप क्या करना है इन दोनों के जितने भी नाटक है ना अलग से लिख लेना एक जगह, तो आपको फिर कन्फ्यूजन नहीं होगा। हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे नाटक सेतुबंध सुरेंद्र वर्मा का, द्रौपदी नायक खलनायक विदूषक, ये तीनों ही नायक तीनों ही नाटक हमारे सुरेंद्र वर्मा की है, इम्पोर्टेंट है। सेतुबंध ये कालक्रम में पूछा जाता है, ये तीनों ही यहाँ से ही नाटक सुरेंद्र वर्मा के जो शुरू में तीन नाटक है 1972 में लिखे गए हैं और ये पहले नाटक है इनके। देवयानी का कहना है रमेश बख्शी का नाटक है, इम्पोर्टेंट है। आगे देखेंगे हम, आगे तिलचट्टा ये नाटक है हमारा मुद्रा राक्षस का, तो आप याद रखिएगा एक तो मुद्रा राक्षस रचना हुई है संस्कृत में और एक रचनाकार का नाम भी है ये, और इनका नाटक है तिलचट्टा, इम्पोर्टेंट है, कालक्रम में बहुत बार पूछा गया। प्रेम या पवित्र नदी उपन्यास है लक्ष्मीनारायण लाल का। एकदा नैमिषारण्य अमृतलाल नागर का उपन्यास है और मानस का हंस भी अमृतलाल नागर का। मानस का हंस के बारे में एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि इसका विषय ये किसके ऊपर लिखा गया है, तो याद रखिएगा तुलसीदास के जीवन पर आधारित है मानस का हंस, और ये नेट के पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ है मानस का हंस अमृतलाल नागर, 1972 में प्रकाशित हुआ। जो भी हमारे कोर्स में लगी हुई है रचनाएं उनका सन तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, रटा होना चाहिए उनका सम तो आपको, तो मानस का अंश हमारे कोर्स में लगा हुआ है इसलिए अपने आप में ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला नाटक हम देखेंगे आतंक नरेंद्र कोहली का, सूखता हुआ तालाब रामतरस मिश्र का उपन्यास है। आतंक भी उपन्यास है नरेंद्र कोहली का, अगला उपन्यास है सूखता हुआ तालाब रामदरस मिश्र का। अगला उपन्यास हम देखेंगे महासागर हिमांशु जोशी का। एक उपन्यास तो ये हो गया महासागर हिमांशु जोशी और एक हमें मिलता है महासमर के नाम से नरेंद्र कोहली का उपन्यास, वो भी इम्पोर्टेंट है, मिलता जुलता नाम है तो आप यहीं पर लिख लेना महासमर नरेंद्र कोहली का उपन्यास है।
अगला हम उपन्यास देखेंगे धरती धन्य अपना जगदीश चंद्र का। ये भी हमारे नेट पाठ्यक्रम में लगा हुआ है धरती धन्य अपना, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका ये पूछा जाता है दलित दलित जीवन पर आधारित कौन सा उपन्यास है धरती धन्य अपना। तो आप जो ये विषय है ना ये भी नोट करते हुए चलेंगे, जैसे मानस का अंशुआ ये तुलसीदास के जीवन पर आधारित है, धरती धन्य अपना ये दलित जीवन पर आधारित है उपन्यास। अगला उपन्यास हम देखेंगे एक कहानी अंथीन, हृदयेश का ये उपन्यास है। इसकी एक कहानी अंथीन की विधा पूछी जाती है, क्योंकि नाम से ऐसा लगता है कि कभी कहानी हो, क्योंकि इसके नाम में कहानी आया हुआ है, पर आप इसकी विधा याद रखिएगा ये उपन्यास है। आगे हम देखेंगे 1972 में प्रकाशित अपना मोर्चा काशीनाथ सिंह का उपन्यास है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका विषय पूछा जाता है ये छात्र आंदोलन पर आधारित है, VHU जो हमारी यूनिवर्सिटी है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय उसके उसके विषय पर लिखा गया है ये अपना मोर्चा उपन्यास है काशीनाथ सिंह का। अगला उपन्यास हम देखेंगे अंतराल मोहन राकेश का, 20 रानियों के 22 स्कोप, ये राजकमल चौधरी का उपन्यास है, इंपॉर्टेंट है। 1 बीघा प्यार ये अभिमन्यु अनंत का उपन्यास है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभिमन्यु अनंत इंपॉर्टेंट है, इनको मॉरिशस का प्रेमचंद कहा जाता है, तो ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण पूछा जाता है कि मॉरिशस का प्रेमचंद किसे कहा जाता है, तो अभिमन्यु अनंत का, इसलिए इनके उपन्यास भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। 1 बीघा प्यार इनका उपन्यास है। अगला उपन्यास हम देखेंगे सूरजमुखी अंधेरे के, इंपॉर्टेंट है, कृष्णा सोपति का ये उपन्यास है। उसका धर मेहरू निष्प्रवेज का ये उपन्यास है। हमारे ये 6 उपन्यास हुए, आप नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं कहानी संग्रह रास्ता इधर से, रघुवीर साय का ये कहानी संग्रह। अतीत में कुछ ये गंगा प्रसाद विमल का कहानी संग्रह। काला रजिस्टर ये रविंद्र कालिया का कहानी संग्रह। 3 हमारे इसमें कहानी संग्रह हुए और 6 हुए उपन्यास, तो आप याद रखते हुए चलिएगा। आगे हम देखेंगे कितना बड़ा झूठ ये कहानी संग्रह है उषा प्रियवंदा की। आदम और हवा मैरोनिस परिवेश का ही कहानी संग्रह। आलोक पर इम्पोर्टेंट है और इसका सन तो याद ही रहता है 1972 हजारी प्रसाद द्विवेदी का। बसंत आ गया पर कोई उत्खंठा नहीं ये विद्यानिवास मिश्र का निबंध है, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। कस्तूरी मर्ग शिव प्रसाद सिंह का निबंध संग्रह। गंध मादन निबंध संग्रह कुबेरनाथ राय का। लिखी कागज कोरे निबंध संग्रह आज्ञा का। अपनी अपनी बीमारी इम्पोर्टेंट हरिशंकर परसाई। आधुनिक भाव बोध की संज्ञा आलोचना ग्रंथ है अमृत राय का। भवंती निबंध संग्रह आज्ञा का। इसमें जितने भी निबंध संग्रह है सभी इम्पोर्टेंट है। आलोक पर वसंत आ गया मगर पर कोई उत्खंठा नहीं, कस्तूरी मृग, गंधमादन, लिखी कागज कोरे, अपनी अपनी बीमारी और भवंती, सभी निबंध संग्रह इसमें इम्पोर्टेंट है। आगे अब हम देखेंगे ये तो हमारा हुआ पार्ट 2, मैं अब इस पर पार्ट 3 लेकर आऊँगी, उसमें हम बात करेंगे 1974, 1975, 1982 और 1984। जल्दी आपके सामने इसका पार्ट 3 लेकर आऊँगी। अब मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, मेरा हिंदी मॉडल पेपर ये रविवार को आने वाला है, इसमें मैंने जो महत्वपूर्ण बुक है जिन बुक से हम पढ़ते हैं और जिन बुक से सब पढ़ाते हैं प्रोफेसर लोग, उन बुक से मैंने मॉडल पेपर बनाया है। ये वे बुक है जो आप अगर आपका क्वेश्चन गलत बताता है तो आप इन बुक के जरिए चैलेंज कर सकते हो, तो आपका क्वेश्चन कोई गलत नहीं ठहरा सकता। तो इस पर मॉडल पेपर है, ये देखना ना भूले रविवार को 25 अप्रैल को। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। मैं देखती हूँ मेरे व्यूज़ तो काफ़ी रहते हैं, काफ़ी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। मैं आपसे कहना चाहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे मेरी क्लास के। आप मेरी क्लास की PDF लेना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इसी टेलीग्राम चैनल पर मैं अपने वीडियो की लिंक भी डालती हूँ जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़िए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।